नमस्कार दोस्तों, राशिफल 28 सितंबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं सुबह का संचित पांचांग। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिससे आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो पहले संचित पांचांग जान लेते हैं, फिर राशिफल, फिर उपाय भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो पूरा सुन लीजिएगा। 28 सितंबर 2021 सूर्योदय होगा 6:11 पर, सूर्यास्त होगा 6:09 पर, शाम को तिथि है सप्तमी नक्षत्र मृगशिरा और कालाष्टमी का दिन है। चंद्र राशि होगी सुबह 7:30 तक वृषभ राशि और उसके बाद हो जाएगी फिर मिथुन राशि। और अभिजीत मुहूर्त है 11:46 से लेकर 12:34 दोपहर तक, और राहुकाल है 3:10 पीएम से लेकर 4:40 पीएम तक, यानी दोपहर तक। तो ये था सुबह का संचित पांचांग। आप समझ गए कब सूर्योदय है, कब सूर्यास्त है, दिन कौन सा है, पक्ष कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, ये आज का दिन किस नक्षत्र में शुरू हो रहा है, सबकी छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम बात करेंगे आज के उपाय की। देखिए, अक्सर आपसे कोई ना कोई व्यक्ति उधार मांगता है कि भाई पैसे उधार दे दो, जरूरत है, और अक्सर लोगों के पैसे फंस जाते हैं। लोग अपने पैसे फंसा लेते हैं, दे तो देते हैं लेकिन बाद में मिलता नहीं, या कई बार पूरा नहीं मिलता है, या लंबा वक्त लग जाता है, जो एक मुश्त आपने रकम दी थी वो फिर टुकड़ों में मिलती है, तो ऐसे में मज़ा नहीं आता और दिल भी टूटता है, और क्या करें आप। तो बुधवार वाले दिन कभी भी किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर बुधवार को आपने किसी को पैसा उधार दिया, चाहे वो 100 रुपये हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, तो वो पैसा या तो वापस मिलेगा नहीं, या तो मिलने में बहुत परेशानी होगी, या फिर ऐसे टूट फूट करके थोड़ा 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 करके आपको मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि फंस गए हम तो कहीं ना कहीं। तो जब भी अगर किसी को पैसा देना है तो पहले तो सोच समझ कर दें कि देना भी है कि नहीं देना है। अगर देने की मजबूरी है तो बुधवार वाले दिन को ना दे तो बहुत बेहतर रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मेष राशि की। आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त रह सकते हैं। आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपका आत्मविश्वास बना होगा, आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे तो उसकी जो भी निर्णय लेंगे उसको पूरा करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य रखें, धैर्य से काम करें, पैसा कमाने के लिए मेहनत आज करनी पड़ सकती है। जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे, आपके बच्चे आज बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, बच्चों से आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। कड़ा संघर्ष का दिन है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, घर में टेंशन हो सकती है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, भाई बहन से तनाव हो सकता है, और मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिले कई बार ऐसा हो सकता है, पैसा कहीं दिया हुआ फंस सकता है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान आज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, तो दिन वृषभ राशि वाले आज संभल कर बिताएं। बॉस से झगड़ा या अपने साथ काम करने वालों से तू तू मैं हो सकती है, आज फालतू बोले नहीं, अपने काम से काम रखें और ज्यादा फालतू का इधर उधर घूमे फिरे नहीं, पैसा संभल कर खर्च करें तो बेहतर रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपके परिवार में अच्छा दिन होगा, उत्सव जैसा माहौल होगा, कुछ लोगों का आना जाना हो सकता है, आपका घूमना फिरना हो सकता है, आप अपने आर्थिक पक्ष से संतुष्ट होंगे, पैसा आएगा, परिवार वालों के साथ आप प्रसन्न रहेंगे, आप अपनी वाणी से दूसरे का दिल जीत लेंगे, खरीद फरोख्त या कुछ ना कुछ लेना देने में पैसा आप खर्च करेंगे, और कुछ शॉपिंग भी हो सकती है। आपकी दाहिनी आंख में आज कुछ समस्या आ सकती है, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, आपको पारिवारिक कार्यों के साथ साथ जीवन साथी की भी कुछ जरूरतें पूरी करनी पड़ सकती हैं, आपको परिवार का पूरा साथ प्राप्त होगा। कर्क राशि, आज थोड़ा दिक्कत भरा दिन है, परेशानी भरा दिन है, तो बहुत ज़्यादा गलतियां मत करिएगा, प्रत्येक क्षेत्र से निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। समस्याओं के निदान हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव होगा लेकिन प्रेम संबंध अच्छे होंगे। यात्रा पर जाते समय सावधानी रखें, अपने कीमती और जरूरी सामान को संभाल कर रखें, और मुंह और जुबान को मीठा रखें। सिंह राशि, आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। मुश्किल घड़ी में ये जो आज निवेश करेंगे कभी मुश्किल घड़ी में काम आएगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, आपको लोगों से सहायता मिल जाएगी, आपके काम बनेंगे, आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं, कुछ लोग अचानक आ सकते हैं, कुछ लोगों को आप पसंद करेंगे, कुछ को नहीं पसंद करेंगे, इसकी वजह से आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है। बहुत अधिक मेहनत करने की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या मानसिक और शारीरिक थकान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन
अच्छा बीतेगा सिंह राशि वालों का। बात करेंगे कन्या राशि की। अच्छा दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, धन लाभ है, हर जगह से आपको खुशियां प्राप्त होंगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शेयर मार्केट में निवेश करके कुछ अच्छा पैसा बना पाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, दिन आपके लिए फेवर में है, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लीजिए, पति पत्नी में सहयोग होगा, प्रेम संबंध अच्छे, मित्रता अच्छी और ऑफिस या व्यापार में भी तरक्की, आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। तुला राशि, किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, बच्चों के सहयोग से आपके हृदय में प्रसन्नता होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, आपके कुछ अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, घरेलू महिलाएं हों या कामकाजी वाली महिलाएं हों, बड़ा मूड अच्छा रहेगा, तरक्की ही तरक्की है, कोई अपना प्रिय आपसे मिल जाएगा, जिसको आप चाहते हैं पसंद करते हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी, सामान्य रहेगा दिन, अच्छा रहेगा दिन, व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है, कारोबार अच्छा, व्यापार अच्छा, नौकरी अच्छी, कामकाज अच्छा, दोस्ती यारी अच्छी, आपका दिन भी बहुत अच्छा, लाभ उठाइए। वृश्चिक राशि की बात करें तो आज थोड़े से आप रूठे रूठे हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, आप थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, अपने काम को मनवाने के लिए आप किसी पर थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, इस वजह से काम में रुकावटें आ सकती हैं, गाड़ी चलाते समय वाहन चलाते समय ध्यान सड़क पर रखिएगा, गाड़ी की स्पीड पर रखिएगा, नहीं तो टक्कर हो जाएगी, सट्टेबाजी में पैसा ना लगाइएगा, शेयर मार्केट से बचिएगा, जीवन साथी से तू तू मैं मत करिएगा, नहीं तो वाद विवाद खड़ा हो जाएगा, आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए भी तनावग्रस्त है, क्योंकि आज आपकी जुबान और आपके दिमाग में चलने वाले विचार आपको एक जगह पर टिकने नहीं देंगे, तो खुद को संभालिए, फिर दिन बढ़िया है। बात करेंगे कि आपके कोई सेहत में प्रॉब्लम ना आए, तो चोट लग सकती है, टांग में दर्द हो सकती है, भाषा का असंतुलन आपको परेशान करेगा, और अनावश्यक वाद विवाद से बचने की कोशिश करें वृश्चिक राशि वाले, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा मत करिएगा, जिस डाल पे बैठे होंगे उसी को काटेंगे, क्योंकि आज दिमाग का प्रयोग आप कम करेंगे। धनु राशि, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, व्यापारियों को किसी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, जीवन साथी से संबंध अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपके बच्चे साहसी होंगे, विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी, स्वास्थ्य सावधान कर रहा है आपको, थोड़ा सेहत के प्रति सावधानी रखिएगा, बाकी सब कुछ धनी राशि वाले के लिए बढ़िया है, पैसा वैसा रिश्ते विश्ते सामान्य से बेहतर है, आनंद लीजिए दिन का। मकर राशि की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं तो अच्छी है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन का प्यार बना रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, घर से सहायता मिल सकती है पैसों की या अन्य सहायता, महत्वपूर्ण निर्णय आप ले लेंगे, नौकरी में अच्छा करेंगे, व्यापार में ठीक ठाक करेंगे, नौकरी ज़्यादा आज अच्छी चलेगी, व्यापारियों को थोड़ा बहुत नुकसान वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर दिमाग लगाइएगा तो पैसा बना लेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं को ताकतवर महसूस करेंगे, ताकत बनी रहेगी, दिमाग तंदुरुस्त होगा, और मकर राशि वाले भी आज कुछ ना कुछ बेहतर करके ही मानेंगे, क्योंकि वक्त अच्छा है। बात करेंगे कुंभ राशि की, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, प्रेम संबंध अच्छा, वैवाहिक जीवन अच्छा, व्यापार अच्छा, नौकरी अच्छी, घर व्यापार अच्छा, दोस्तों यारों से बात अच्छी, नौकरी मिलने के चांस है, सैलरी बढ़ने के चांस है, इंक्रीमेंट हो सकता है या इंक्रीमेंट की बात चल सकती है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई दोस्त गिफ्ट दे सकता है, कोई प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपना दिल खुश कर सकते हैं, दिन बढ़िया है, खान पान बढ़िया है, तो आज खूब जी भर के ऐश करिए, बजरंग बली का दिन है, सुबह शाम दर्शन कर लीजिएगा तो जो छोटे मोटे कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे, मैं यही कहूँगा कि हर मामले में दिन आपका अच्छा है, आप बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, छोटे हों, बड़े हों, महिला हों या पुरुष हों, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, आज कुंभ राशि वाले दिन का लाभ उठा लें, जो चाहिए मिल जाएगा। मीन राशि, आपको अपनी माताजी का सहयोग प्राप्त होगा, संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो दिन शुभ है, आज कोई घर की छोटी मोटी चीज़ बुकिंग कराना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है, कुछ घर पर बैठकर इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है, जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे, घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण के लिए पैसा वैसा खर्च हो सकता है, सामाजिक और पारिवारिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं, तो मीन राशि वाले भी आज मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, आज उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई परेशानी मेरे जीवन में है,
वो आज मस्त मौला तरीके से चलेंगे और जीवन में देखेंगे कि सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है, ऐसा लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है, कब सुबह हुई कब दोपहर हुई कब शाम हुई पता ही नहीं चला और सब कुछ बढ़िया होता चला गया। ये था आपका राशिफल। अब करना क्या है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और हनुमान जी के दर्शन करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ और करने की आपको आवश्यकता है नहीं। और मैं ये कहूँगा मंदिर जाकर करें तो बहुत बेहतर होगा, मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, सड़क से ही रास्ते से जा रहे हैं, कोई मंदिर है तो वहाँ पर खड़े होकर नमस्कार कर लें, इतना करने मात्र से ही भगवान आपको रिजल्ट दे देंगे, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, बाकी सब मंगल ही मंगल है। और अगर जीवन में कोई समस्या कोई परेशानी है कोई जीवन में अमंगल है तो उस अमंगल को मंगल करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, बाकी आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।